नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मन बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो वीडियो श्रृंखला के श्रेणी में आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसके इन्वायरमेंटल साइंस होता क्या है, अर्थात इन्वायरमेंटल साइंस का परिचय। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पर्यावरण तथा जीव जंतुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारे चारों तरफ वातावरण है, वातावरण उनसे जो भी हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के बीच में जो अंतर संबंध होता है उसका इसमें पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। तो जो आपका पारिस्थितिकी है वो आपका ग्रीक शब्द आइकोस से बना हुआ है, आइकोस और लोगस से बना हुआ है, जिसमें आइकोस का मतलब होता है रहने का स्थान और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात रहने का जो भी स्थान है उसके अध्ययन को हम ये कहते हैं पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी। अर्थात इकोलॉजी अगर बड़े रूप में ये कहा जाए तो ये होता है कि वह स्थान जहाँ पर कोई भी रहता है, अर्थात वह स्थान जहाँ पर मानव जीवन संभव है, उसको हम बोलते हैं आपका इकोलॉजी। मतलब कि जहाँ कहीं पे भी आपका जीवन संभव है उसके अध्ययन को ही हम कहते हैं इकोलॉजी। या अगर समग्र रूप से अगर आप समझ सकें तो इस टाइप का हो सकता है कि वह सारे स्थान जहाँ पर मनुष्य जीव जंतु रहते हैं तो उनको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी भी जो आपका होता है वह अलग अलग हो सकता है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, आपका जलीय पारिस्थितिकी हो सकता है, भौतिकी पारिस्थितिकी हो सकता है, वन का अपना एक पारिस्थितिकी हो सकता है, समुद्र का एक हो सकता है। मतलब कि जो आपका पारिस्थितिकी है या इकोलॉजी है वो एक आपका बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। विस्तृत क्षेत्र का मतलब ये कि आपका यह सूखे रेगिस्तान से लेकर और पूरा आपका बर्फीली जगह सभी इसमें के अंतर्गत में आ जाते हैं। जहाँ कहीं पर भी जीवन संभव है तो जो वहाँ पर रहने वाले जीवन संभव है वहाँ पर रहने वाले जो भी आपके जीव जंतु हैं और वहाँ का जो भी वातावरण है तो उनके बीच में आपसी जो भी आपका संबंध है या अर्थात अंतः संबंध है उसी को हम बोलते हैं आपका इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में आपका महासागर से लेकर मरुस्थल सभी चीज आ सकता है। कि किसी भी जैसे कि आपका महासागर है तो उसमें जो भी जीव जंतु हैं वह कैसे रहते हैं, कैसे वो अपना जनन करते हैं, कैसे अपना भोजन करते हैं, कैसे अपने आप को वो सरवाइव करते हैं, ये सारा चीज़ आपका आ जाता है इसमें पारिस्थितिकी में। या आपका कोई भी मरुस्थल ही है तो मरुस्थल के जो भी जीव जंतु होते हैं उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, उनमें क्या क्या मरुस्थल में रहने की क्या क्या आपकी अनुकूलताएँ होती हैं, कैसे वो अपने आप को मरुस्थल में रहने के लिए सर्वाइव करते हैं या उसमें से क्या क्या चेंजिंग आती है, तो वो सारा चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधे रहते हैं उसमें प्रायः जो तना, जो आपका तना होता है वह पत्तियों का रूप ले लेता है और पत्तियां प्रायः कांटे का रूप ले लेती हैं। जैसे कि अगर नागफनी का भी पौधा लिया जाए तो जो उसमें सूख अथवा कांटे होते हैं वह बेसिकली उनकी पत्तियाँ होती हैं और जो आपके ये जो तना होता है तो वो पत्तियों के आकार का मांसल होता है और तना बन जाता है हरे रंग का, जो कि आपका पौधों का प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और जो पत्तियां होती हैं वो आपका सूप के रूप में हो जाती हैं ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है अथवा जो पानी का इवेपोरेशन है वह आपका बहुत ही कम हो जाए और पानी की बचत हो जाए। उसी प्रकार जो भी वहाँ के आपके जीव जंतु होते हैं वह बहुत ही चटकीले रंग के होते हैं और बहुत ही कम पानी में भी अपना जीवन वो
चला सकते हैं। चटकीले रंग के इसलिए होते हैं ताकि उनको देखकर कीट पतंगे आकर्षित हो सके और वो भोजन कर सके। और अधिकतर जो भी जीव जंतु होते हैं वो मटमैले होते हैं, और मटमैले होने के कारण क्या होता है कि वो आसानी से जो भी रेगिस्तान का बालू होता है उसमें छिप जाते हैं। और एक रेगिस्तान में आपका जंतु होता है ऊंट, वो भी अपने आप को वहाँ के पारिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है, क्योंकि जो उसके पंजे होते हैं वो उसमें खुर ना होकर वो गद्देदार हो जाते हैं, जो कि रेगिस्तान में चलने के लिए उसको अनुकूलता प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों का भी हम अनुकूलता में या आपका पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। अब ये देखते हैं कि जो आपका पारिस्थितिकी होता है वह कितने प्रकार का होता है। जो पारिस्थितिकी होता है बेसिकली वह आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका स्वपारिस्थितिकी, एक होता है आपका परपारिस्थितिकी। तो जो स्वपारिस्थितिकी होता है जिसको बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो कि विशेष वातावरण होता है, विशेष वातावरण में एक ही प्रजाति के पोषण वृद्धि तथा जनन और जीवन चक्र का आपका अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कोई भी एक विशेष वातावरण ले लिया जाए, जैसे कि आपका ठंडी वाला ही ले लिया जाए या नम वातावरण ले लिया जाए, तो उसमें सारे जो जीव जंतु होते हैं उसमें आपका कैसे उनका जीवन चक्र रहता है, कैसे आप वो खाना खाते हैं, कैसे वृद्धि करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी आपका हिम प्रदेश है, तो जो हिम प्रदेश में जो भी जीव जंतु हैं उनके भोजन करने का तरीका क्या होता है, उनके सोने का तरीका क्या होता है, उनके खाने पीने का, उनके पोषण का, उनके रहन सहन का, सारे जो भी तरीके होते हैं वो हम स्वपारिस्थितिकी के अंदर अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि कोई भी आपका एक विशेष वातावरण होता है, और उस विशेष वातावरण में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो छोटे जीव जंतु हों, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे सभी हों, सभी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को हम समग्र अध्ययन करते हैं। यानी एक कोई भी आपका एक विशेष आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें रहने वाले जितने भी सारे जीव जंतु हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं। और एक होता है आपका समपारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक वातावरण तो एक ही रहता है, लेकिन उसमें विभिन्न जो भी आपके जीव समुदाय होते हैं उनके जीवन चक्र का आपका अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा टॉपिक आता है पर्यावरण। तो पर्यावरण ये होता है कि जीवों को सामूहिक रूप से प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उनको हम कहते हैं पर्यावरण। उनको हम कहते हैं पर्यावरण कि मतलब कि वो सारे फैक्टर या वो सारे कारण जो कि आपको सामूहिक रूप से हमारे उसको सामूहिक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो सारे के सारे पर्यावरण हो जाते हैं। उसी में आता है एक कारक भी, तो वह वाय बल पदार्थ अथवा दशा जिससे किसी भी आवास में रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं उसको हम कहते हैं कारक। तो जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण आपका बेसिकली जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। जो पर्यावरण होता है वो बेसिकली आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका भौतिक पर्यावरण, एक होता है आपका जैविक पर्यावरण। तो जो भौतिक पर्यावरण होता है जिसको कि हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण को हम बोलते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। तो जो आपका भौतिक पर्यावरण अथवा फिजिकल इन्वायरमेंट आता है इसमें आपका पानी, सूर्य, ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, आर्द्रता, पृथ्वी तथा वायु आती है। और जो जैविक पर्यावरण होता है, जैविक पर्यावरण में यह आता है कि जीवों के मध्य जो आपसी संबंध होता है, उनका जो वृद्धि होता है, दृष्टिकोण होता है, या जीवों के संबंध में जीवों की जनसंख्या वृद्धि, फिर उनका जो घनत्व होता है, मान्यताएं होती हैं,
और जो अन्य गतिविधियाँ होती हैं वो सारी आपकी आ जाती हैं आपकी जैविक पर्यावरण में। तो अब हम बात करते हैं भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण सिंपली इसमें आपका पानी, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण और आर्द्रता तथा पृथ्वी इत्यादि आदि। तो जल